लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही शनिवार शाम पुलिस ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था अनिल सिंह के मुताबिक फ्लैग मार्च में सभी पुलिस अधिकारियों के साथ कलेक्टर आशीष सिंह, SDM, केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को शामिल किया गया। काफिला रानी सराय स्थित पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुआ, जो शास्त्री ब्रिज के नीचे से राजकुमार ब्रिज, DRP लाइन चौराहा, लवकुश चौराहा और बापट चौराहा, स्कीम नंबर 78 होते हुए वापस विजयनगर चौराहा, रेडिसन चौराहा, बंगाली चौराहा, मूसाखेड़ी, IT पार्क, राजीव गांधी चौराहा, केसरबाग चौराहा, चाणक्यपुरी चौराहा, अन्नपूर्णा, रंजीत हनुमान मंदिर, फूटी कोठी चौराहा होते हुए चंदन नगर, बड़ा गणपति और साथ ही में मरीमाता चौराहा होते हुए पुनः DRP लाइन पहुंचा। पुलिस वाहन शहर के नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के बारे में संदेश भी दे रहे थे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत ही स्पष्ट है। जो भी उसकी अवहेलना करेगा उसके विरुद्ध प्रशासन पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करे। तो 50-50 गाड़ियां हैं और 500 का बल है, जो 34 किलोमीटर का जो इंदौर शहर का इलाका है वहां पे भ्रमण करेगी और लगातार हम अनाउंस करते रहेंगे पुलिस सिस्टम के माध्यम से कि आदर्श आचार संहिता इंक्रीज कर दी गई है और आदर्श आचार संहिता जो भी निजी भवन है वो कार्रवाई हमारी बातचीत के दौरान है जिस संबंध में किया जाएगा। 26/87 हमारे मतदान केंद्र है, और सभी जगहों पर जो सेक्टर ऑफिसर वो सबका भ्रमण भी करेंगे और कोई हमारा सब नीचे कल हो रही है पर तो नहीं है, अगर ऐसा करी जाएगी और इसके साथ साथ वहाँ पर इस तरीके की कोई स्थिति निर्मित ना हो इसके लिए सेंटर कोई स्पोर्ट्स का लगाना, माइक्रो ऑब्जर्वर का लगाना या फिर प्लास्टिक करना, इस हेतु भी प्रावधान हमारे द्वारा किए जाएंगे। कुल मिला के पूरी तरीके से टीम हमारी तैयार है, सभी चाहे मानव संसाधन की बात करें उनकी लोगों ने लिस्ट बना ली है और जल्दी तरीके की करा ली जाएगी, चाहे वो हमारी पोलिंग पार्टी उसकी पार्टी दूसरी चीज़ें इसके साथ साथ जितनी सामग्री की आवश्यकता होती है उसकी भी पूर्ति हमारे द्वारा चली गई है। जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हैं वो आज से एक्टिवेट हो जाएंगी, जब किसी प्रकार की शिकायतें हैं तो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तत्काल उसको एडजस्ट करेगी। हालांकि जो स्टैटिक सर्विस टीम SST और PST वाली जो टीम होती है उनको जब नॉमिनेशन प्रारंभ होंगे तब से लोग एक्टिवेट करेंगे, पूरी तरीके से निष्पक्ष प्रतिपूर्वक चुनाव हो ये हमारी देखिए 2679 टोटल बूथ है जो हमारे टोटल है। अभी हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा जो भ्रमण किया गया है उसके द्वारा ड्रिलिंग सूची बनाई गई है जो अभी बड़े स्तर पर हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको निर्धारित करेंगे कि कितने फाइनल है। जो एक क्राइटेरिया रहता है क्रिटिकल ग्रुप का जिसमें कि बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है, एक ही पक्ष में वोटिंग होती है, ऐसे बूथ की संख्या हमारी काफ़ी कम है, लेकिन जब जो हमारे पास इस प्रकार से फीडबैक आएगा कि आप कहीं पर शक्ति ऊपर होने की संभावना है या पर कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है तो उस बूथों को इसमें लिया जाएगा। आगामी 6-7 दिनों तक सर विधानसभा चुनाव बाद कितने वोटर की संख्या बिल्कुल कितने वोटर्स लोकसभा चुनाव में अपने मतदान का उपयोग करेंगे? देखिए टोटल 27,95,000 हमारे टोटल वोटर्स हैं और विधानसभा से अगर हम लोग तुलना करें तो लगभग 70,000 ऐसे युवा मतदाता जो नए हैं जो हम लोगों ने जुड़े हैं, जो दिव्यांग मतदाता और 85+ मतदाता अगर उन दोनों की संख्या को भी देखें वो भी लगभग 20,000 के आसपास हो रही है, जिनको ये सुविधा ये ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा पिछले चुनाव में कम देखने को मिला, इस बार और ज़्यादा उसमें वृद्धि हो, कम से कम 5% की ग्रोथ हो, इसके तो भी प्रयास किए जाएंगे। इस हेतु जो अलग अलग हमारे ग्रुप हैं चाहे वो महिला हो, दिव्यांग हो, युवा हो, उनके लिए अलग कमेटी बनाई
खासतौर पर जो कम वोटिंग परसेंटेज वाले बूथ हैं देखिए निश्चित रूप से चाहे स्वीप से संबंधित गतिविधियाँ हों उनमें भी हम लोग नवाचार करने की कोशिश करेंगे और मतदान की हमारे जो मतदान है बहुत ही स्मूथली हो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्रों को हम लोग आदर्श मतदान केंद्र के रूप में डेवलप कर सकें और चूँकि गर्मी का सीजन होगा इसीलिए मतदाताओं को सुविधा न हो। दिनेश आचार्य की रिपोर्ट।